हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज है 27 तारीख, यानी 27 अगस्त, दिन है सैटरडे। तो आज आप सब जान ही गए होंगे थंबनेल और टाइटल देखकर कि आज ब्लॉग में क्या है। तो आज हर्ष का बर्थडे है, तो मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आप सब बने रहिएगा, नहा धो के घर पूरा साफ करके तब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, मतलब क्लीनिंग कंप्लीट करके। क्योंकि कोई भी काम, जब फंक्शन छोटा मोटा काम होता है, चाहे पूजा हो, तो सबसे पहले ना घर की सफाई करनी होती है। तो घर एकदम साफ हो जाता है, फिर लगता है चलिए अब दूसरा स्टेप है कि पूजा पाठ के लिए तैयारी करें, है ना। जो न्यू आते हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अपना मेंटेन बना चुकी हूँ हल्का सा, और अब करूँगी पूजा पाठ भगवान का सुबह से। और ब्लॉग मतलब अभी से शुरू हो गया, समझो केक कटने तक का ब्लॉग रहेगा। तो इसमें दो पार्ट होंगे, तो दो पार्ट जाएंगे दो दिन में, मतलब कुछ आज कुछ कल। और ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगी आप लोगों को मैं। तो प्लीज़ आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए। चलिए फिर पूजा पाठ में लग जाती हूँ, लोटा मैंने ले रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूजा से शुरुआत हो रही है। मॉर्निंग में ना बहुत सारा काम होता है, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में। जब हम किचन में पहुँच जाते हैं ना, ऐसे जब कोई काम होता है, फंक्शन होता है, तो वहाँ बिल्कुल रम जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ बनाओ फिर दूसरा फिर तीसरा, मतलब लगे ही रहते हैं। तो सब कुछ फिनिश करके ही मैं किचन में बैठूँगी। डेली वाला खाना जो होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है। दाल हमने बना ली, चावल बना ली, ये सारी चीज़ें ना, उसमें हमें बैठना नहीं पड़ता। लेकिन हम जब कभी ऐसे बनाते हैं तो वहाँ बैठना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है हम क्या बना रहे हैं, है ना। अब यहाँ पूजा कर लूँगी, वहाँ मैंने जलवल छोड़ दिया है, मंदिर भी हो आई हूँ, यहीं पास में है। और सारे फूल मुझे निकाल के रखना है कथा के लिए, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कथा ना शाम टाइम होगी, और शाम टाइम जब कथा होती ना थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग लगता है। सुबह सुबह कथा हो जाती, पूजा हो जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन पंडित जी हमें मिले ही नहीं मॉर्निंग में, तो थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ की भी पूजा हो गई है। सो तुम जान हो अंतर्यामी प्रभु हुमोर मनोहर स्वामी दीन दयाल वीर शंभारी हर हुनाथ मम शंकट बारी, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मंगल भवना मंगल हारी द्रभु सु दशरथ अजर बिहारी। चलिए पूजा पाठ तो हो गई है, अब चलती हूँ किचन में। मॉर्निंग में कुछ खाना बना लेती हूँ, क्योंकि कथा ना आज होने वाली है शाम के 5 बजे, तो 5 बजे के पहले सारी तैयारियाँ पूरी कर लूँगी। शाम को 5 बजे कथा होगी और फिर शाम के कटेगा 8 बजे तक, है ना। तो ज़्यादातर काम मतलब शाम को ही है, तो अभी फ़िलहाल कुछ बना लेंगे अपने लिए खाने के लिए। थोड़ा सा 2-2.5 बजे से खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, वो वाला बर्थडे वाला, है ना। फिर देखिए पूजा पाठ करके थोड़ा सा हम लोगों ने नाश्ता किया है, फिर ग्रॉसरी का सारा सामान मैंने मंगा लिया है जो कथा में लगेगा, बनाने में लगेगा। लोग देखो 4 आते हैं तो पानी पीने के लिए भी कुछ ना कुछ लगता है। वैसे घर में तो हर चीज़ रहता है, हम खाते पीते रहते हैं, बट कोई आता है ना तो लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लें। मान लो 2 के 4 लोग आ गए, है ना, होता है छोटा मोटा काम जब होता है ना, तो हम वैसे भी कहते थे अरे आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए ना। तो इसलिए सारा सामान इकट्ठे मंगा लूँगी। 2 नारियल मैंने मंगाया है, एक मैं मंदिर जाऊँगी वहाँ फोड़ने के लिए, एक यहाँ कथा में लगेगा। और पाउडर ख़त्म था तो बच्चे पाउडर भी ग्रोसरी के साथ ही ले आए। आप लोग सोचेंगे मेकअप का सामान कौन लाता है ग्रोसरी में, मैं तो खैर सब चलता है, लगता है जो सामान इकट्ठे आ जाए तो भी ठीक है। यहाँ बच्चे कुछ मांग रहे हैं, बच्चों की शरारत शुरू है, तो जो कथा वाला सामान है यहाँ रख दूँगी इस टोकरी में, क्योंकि इसी कमरे में होगी कथा। और जैसे और सारे सामान हैं जो उन्हें यथास्थान पे रख दूँगी, क्योंकि मैं सच में बताऊँ फ्रेंड्स, जब छोटा मोटा काम करती हूँ ना, क्योंकि अकेले ही मुझे ज़्यादातर करना पड़ता है। कोई हम जिसे बुलाते हैं वो जब आएंगे शाम तक आएंगे, भाई खाने के टाइम में आएंगे, लेकिन करना तो हमें होता है ना, तो मैं सब इकट्ठे सामान रख देती हूँ जो जहाँ का मतलब है कि जब ढूंढूँ तो मिल जाए। कोई 4 लोग तो है नहीं कि भाई उनको बोल दूँगी आप ये वाला काम कर लीजिए, मैं ये वाला कर लूँ, है ना। और जी हर्ष ना मेरा नाराज़ है, इसके लिए मैंने टी शर्ट पैंट खरीदा है आज की आज ही, क्योंकि इसका बर्थडे था, लेकिन इसे टी शर्ट पसंद नहीं आई, तो ये मुझसे नाराज़ है। यहाँ मैं कोहड़ा की सब्ज़ी पहले बनाऊँगी। सबसे पहले मेथी मैंने डाल दिया है, मिर्चा लहसुन प्याज, इसे अच्छे से फ्राई करके, और क्योंकि कोहड़ा ना हम ब्राह्मणों के क्या मतलब सबके यहाँ एक बनता ही है, मतलब मेन ये होता है, उसके बाद हम कुछ भी बना सकते हैं, आलू परवर पनीर वगैरह वगैरह,
तो ये देखिए इसमें मैंने मसाले डालना शुरू कर दिया। हल्दी डाल दी हूँ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कोड़ा, तो इसे अच्छे से पूरा भर दूंगी इसी में, फिर ढक के रख दूंगी। जब गल जाएगा ना तब इसे चलाऊंगी, क्योंकि एक कमी है मेरे घर में अभी फिलहाल, जो बर्तन है ना थोड़े बड़े नहीं हैं, मतलब डेली यूज में तो आ जाते हैं, मान लो कोई ऐसा काम होता है ना तो बहुत बड़े बड़े बर्तन नहीं हैं। ये वाला काम मैं बहुत जल्दी करूँगी, खरीद के रखूँगी सामान, क्योंकि भाई कहाँ मांगने जाएँ, हर चीज़ हमारे घर में होना चाहिए। अगर हम एक जिम्मेदार लेडी हैं तो हर चीज़ की व्यवस्था हमें करके रखनी चाहिए, है ना। देखिए अब गल गई है सब्जी, यहाँ मैंने दूध अच्छे से उबाल लिया है, 2.5 किलो मैंने दूध लिया था ऐसे ही, तो उबाल के रख दी हूँ। यहाँ मैं अब पंजीरी भूंज ले रही हूँ, पंजीरी भूंज के रख दूंगी, क्योंकि यहाँ मैं खाना बनाने लगूंगी ना तो जूठा हो जाएगा। और फिर सेवई भूंज लूंगी, क्योंकि सेवई भी बनेगी। और बच्चे तो कह रहे थे मम्मी खीर बना दो, लेकिन जब ऐसा कुछ काम होता ना तो मुझे सेवई ज़्यादा खास लगती है, तो इसलिए मैंने सेवई बना दी है। इधर देखिए पनीर का सारा सामान निकाल दी हूँ और पनीर भी काट के रखूँगी। अलग अलग मैंने दूध चढ़ा दिया है, क्योंकि इकट्ठे जल्दी उबल नहीं रहा था, अकेली हूँ तो थोड़ा भागा दौड़ी तो है ही, तो पनीर कट कर लेती हूँ। आप सब ऐसे काम को कैसे अकेले मैनेज करते हो मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो थोड़ा भागा दौड़ी भी करती हूँ बट कर लेती हूँ। कहते हैं ना जो काम अपने ऊपर होता है ना वो हम कर लेते हैं, परफेक्ट कर लेते हैं। इधर देखिए मेरे भैया आ गए हैं और मेरी दीदी का लड़का राहुल, ये बाहर रहते हैं, तो आए थे यहाँ नानी के घर, तो मैंने फ़ोन किया कि तुम भी चले आना, तो ये भी आ गए। और ये हस्बैंड जी हैं, आज थोड़ी सी मदद करवा रहे हैं, क्या कहते हैं इसे जो दरवाजे के बाहर लगाया जाता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो ये वाला काम ये कर रहे हैं। जब ऐसे कुछ काम होते हैं ना तब जेंट्स लोग करवा देते हैं, डेली नहीं करवाते यार, मेरे घर में तो नहीं करवाते हैं, मैं कहूँ फिर भी नहीं, कहते हैं डेली तुम लोग करो, जब कोई खास काम होगा ज़रूरत होगी तो हम लोग करवा देंगे। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, जो कर दो उतना ही सही है। इधर देखिए मेरा चॉपर भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि मेरी किस्मत में ना चीज़ें बहुत दिन तक चलती नहीं हैं, तो चॉपर ख़राब हो चुका है, तो प्याज लहसुन अदरक टमाटर मिर्ची सारा कुछ मैं यहाँ पीस रही हूँ सिलबट्टे में, और पनीर बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। मैं क्या करूँगी, बर्तन जैसे बड़े नहीं हैं, तो देखो मेरा एक जुगाड़, हम भारतीय लोग ना जुगाड़ बहुत करते हैं, तो जुगाड़ में मैंने इसी लोहे की कढ़ाई में ना अच्छे से प्याज वगैरह फ्राई कर ली है, मतलब फ्राई करूँगी, इसी में मैं भून लूँगी अच्छे से पनीर भी, सारे मसाले सब कुछ डाल के, फिर बड़ी वाली कढ़ाई जो जहाजी की है उसमें डाल के फिर गैस में पकाऊंगी, क्योंकि गैस ना थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है, तेज़ नहीं जलती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ज़्यादातर मैं इंडक्शन में ही बना लेती हूँ, इसमें फास्ट होता है काम। देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, फिर उसके बाद टमाटो पीसा था मैंने, ये घर की मिर्ची है उसे भी मैंने डाल दिया है, मसाले अच्छे से पक गए हैं। ऐसे ही पनीर बनाती हूँ, एक सिस्टर मुझे बोल रही थी कि अयान मोम एंड ब्यूटी बहुत अच्छे से पनीर बनाती है, साधना जी उनकी वीडियो आप देखिए तो आप और अच्छा बनाना सीख जाएंगी, तो मैं बिल्कुल उनको फॉलो करती हूँ डियर, अगली बार ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। ये देखिए अच्छे से सारा चीज़ मैंने भून लिया है, फिर इसमें मैंने डाल दिया है नमक, अब इसे मिला के ये बड़ी वाली कढ़ाई में मैंने गैस में चढ़ा दिया है, तो ये मेरी पनीर बन जाएगी। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, क्योंकि घर में मेरे थोड़ा खाते हैं पानी वाली सब्जी, फिर उसके बाद पनीर उधर पक रही है, यहाँ मैं पानी भर लूँगी, नल चलने लगा है, अभी 3:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स, खाना बनाते बनाते इतना टाइम हो गया। देखिए सब्जी मैंने भगोने में निकाल के रख दी है, ये हमारा मिर्ची और करौंदे का अचार है, ये हमारी पनीर है ये देखिए, और फिर इधर सेवई है, थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा ही बना है, क्योंकि देखो ये सारे काम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना चाहिए, कम ना पड़े ज़्यादा भले हो जाए, है ना। तो आटा भी मैंने गूंद लिया है, घी इधर मैंने चढ़ा दिया है, ये देखिए ये पूड़ी का आटा है और ये कचौड़ी का, तो जल्दी बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए तो खाना पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब पनीर सूखी सब्जी कोहड़ा की सेवई और पूड़ी कचौड़ी सारा खाना मतलब रेडी हो गया है, तैयार है। अब इसके बाद अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा कथा होगी और केक कटिंग होगा, यानी बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ दूसरे ब्लॉग में डाल दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग लंबा हो जा रहा है, क्योंकि कितना चीज़ एक वीडियो में ऐड करे, है ना। चलिए फिर आई होप आप सब ने इन्जॉय किया होगा आज का ब्लॉग मेरा, कल के वीडियो में आज का ही ब्लॉग जाएगा, मतलब पार्ट 2, बर्थडे पार्ट 1 आज चला जाएगा, बर्थडे पार्ट 2 कल चला जाएगा। तो जो लोग कह रहे थे थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो डालना, तो आज मैं 10 मिनट तक का वीडियो डाले दे रही।